पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर और यात्री बसों का किराया नहीं बढ़ाने पर गंगवाल बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने एक दिन की बस हड़ताल का ऐलान किया है। बता दें, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए यात्री बसों का किराया नहीं बढ़ाने पर बस ऑपरेटर्स ने यह कदम उठाया। साथ ही 26 फरवरी को करीब 150 से अधिक यात्री बसों की हड़ताल की जानकारी दी। हमारी हड़ताल सांकेतिक हड़ताल है। सरकार से विनम्र निवेदन करने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है, क्योंकि बस ऑपरेटर विगत 6 माह से जो डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, 60 रुपये से लेके आज 90 रुपये डीजल हो गया है। 1.5 गुना भाव डीजल के बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे किराए में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। किराया बोर्ड की बैठक हो चुकी है, किराया बोर्ड की बैठक में 50% किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भी 50% किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है, किंतु राज्य शासन किस कारण से किराया नहीं बढ़ा रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा किराया बढ़ा जाए, और ये जो चालानी कार्रवाई चालू की है इसमें बहुत अनियमितता है। किसी बस में अगर सवारी कम भी है तो उसका भी चालान बनाया जा रहा है, किसी न किसी रूप में चालान बनाना। बस ऑपरेटर आज 1000 रुपये कमा नहीं रहा है, 5000 रुपये, 10000 रुपये, 20000 रुपये का चालान उनका बनाया जा रहा है। हमारा 3 चीज़ों पे विशेष आग्रह है सरकार से। एक तो चालानी कार्रवाई बंद हो, डीजल के रेट कम किए जाएं, और हमारे किराए में बढ़ोतरी की जाए, ताकि हम बस वालों का उद्धार हो सके। हमारा बस मालिक जो है वो अपनी आजीविका शांतिपूर्ण सुगम रूप से चला सके। कल से कितने दिन की हड़ताल है? ये अभी सांकेतिक एक दिन की हड़ताल है, तो इसके प्रदेश भर में हड़ताल रहेगी? हाँ, करीब करीब प्रदेश भर में हड़ताल है। एकाध जगह कहीं पे पहले एक दिन की सांकेतिक हो चुकी है, वहां शायद ना हो, लेकिन प्रदेश स्तर की ये सरकार एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। इसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, कुपछी, मनावर, धार, बेटमा, घाटा बिल्लोद, इन सभी रूट पे चलने वाली सारी बसें कल एक दिन के लिए बंद रहेगी। हमारा यात्रियों से भी निवेदन है कि कल किसी भी प्रकार की बस की यात्रा के लिए यहाँ ना आए, ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो और वे परसों अपनी यात्रा फिर कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।